राजधानी दिल्ली में फिर मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। जलभराव और जाम की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। पिछले कई बार से दिक्कतों के बावजूद भी प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया कोई सबक। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई और मौसम ने करवट की। आज़ादपुर, जहांगीरपुरी, बुराड़ी कैंप कई जगहों पर बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जलभराव की स्थिति इस बार भी देखने को मिली। पिछले हर बार की बारिश में दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो जाती है, इस बार भी आज़ादपुर से जहांगीरपुरी तक की मेन रोड पानी से जलमग्न हुई है और उसकी वजह से लंबा जाम लगा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाइट कुछ ही देर की बारिश ने पूरी सड़क को जलमग्न कर दिया। हालात इस कदर थे कि लोगों का ऑफिस से अपने घर जाना मुश्किल हो रहा है। खास बात यह है कि इस पूरे मानसून और पिछले कई दिनों से बारिश की हर बार जलभराव और जाम की स्थिति हुई और लोगों को परेशानी हुई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई सबक नहीं लिया गया और जलभराव की दिक्कतों को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज से एक महीना पहले ये कह के कि एक स्मोग टावर जो है, इंडिया का पहला स्मोग टावर है, उसका उद्घाटन किया था। अभी भी बोर्ड रखे हुए हैं केजरीवाल जी के। ये बोर्ड रखे हुए हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जो ये स्मोग टावर, उन्होंने कहा था कि ये इंडिया का पहला स्मोग टावर है और उद्घाटन करने की जल्दी में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्मोक टावर जिसका उद्घाटन किया था, और करोड़ों रुपए जो ऐड दी थी अखबारों में, टीवी में, और ये कह के कहा था कि इंडिया का पहला स्मोक टावर है जो दिल्ली ने बनाया है, दिल्ली सरकार ने बनाया है। आप उसकी हालत देख सकते हैं, वो चालू नहीं है दोस्तों, चालू नहीं है, सिर्फ उद्घाटन चालू हुआ था। ना इसमें फिल्टर लगे हैं, ना ये चालू है, ये सब बंद पड़ा है, देख लो आप, कोई मतलब नहीं है। दिल्ली वासियों, आपकी गाड़ी कमाई, कष्ट कमाई को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है दिल्ली में। आप जागरूक रहो, देखो कि जो उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था कि इंडिया का पहला स्मोक टावर है, वो सब बंद पड़ा है, कोई चालू नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। कब चालू होगा, क्या नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है, बस उद्घाटन किया और करोड़ों रुपए की एड अखबारों में दी, टीवी में दी। दिल्ली के लाखों लोगों का जो कष्ट कमाई का पैसा है, जो टैक्स के रूप में देते हैं, उसको बर्बाद करने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण है, ये छोटा सा उदाहरण है। जब आप इनको देखेंगे, दिल्ली सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में आएगा वास्तव में कितनी बर्बादी हमारे पैसे की हो रही है। उद्घाटन करके चले गए और अब कोई लेना देना नहीं है, और ये इतनी बेकार जगह में बनाया हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से फ्लैट, और ये सब दीवार पीछे लगी हुई है। अगर कहीं से एयर लेगा तो कहां से लेगा। जो जगह का चयन है वो बहुत ही गलत तरीके से किया है सरकार के अधिकारियों ने, जिन्होंने भी ये तय करके बनाया है। बिल्कुल छोटी सी जगह है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, जब एयर नहीं आएगी तो ये पोल्यूशन हटाएंगे कहां से। तो आपको मैंने जानकारी दी है, ये कनॉट प्लेस स्थिति, शिवाजी जो स्टेडियम है उसके पास, बाबा साहब के जो गुरुद्वारा है बंगला साहब का, उसके साथ में है। आपको जानकारी रहे, जब आप आए तो आप भी कहते हैं ना कभी तो आइए गुजरात, तो मैं आपको कहता हूँ कभी तो आइए दिल्ली। स्मोक टावर भारत का पहला बना हुआ, वो तो देखिए, कभी तो आइए केजरीवाल के स्मोक टावर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, बारिश हुई है, बारिश की वजह से बहुत समस्या खड़ी हो जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? बारिश की वजह से समस्या है, आज हमारे दिल्ली सरकार को हम सुनते देखते हैं, निगम अधिकारी, निगम विधायक, इन्होंने जनता इनको चुन के भेजती है। इनको चुनने के बाद हम लगातार ना जाने कितनी शिकायतें, कितने इनसे पत्र दे दे करके हम परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण कि ये ना सुनते हैं ना कोई काम करते हैं।
और हमारे यहाँ उसकी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे बारिश हो गई, अब बारिश के अंदर मच्छर, बीमारी, ये वो, डेंगू, हमारे परिवारों को परेशानी होती है, ना कि इनको। ये तो अपने घर में आराम से बैठते हैं, आराम से सोते हैं, और उसका समस्या का समाधान आम जनता को ही करना पड़ता है। जैसे कि कुछ भी किसी अधिकार सरकार से संबंधित, उनके साथ मिलजुल करके 2 दिन 4 दिन 6 दिन में खुद ही अपने आप ही निवारण करना पड़ता है, जो कि विधायक, निगम पार्षद इस बारे में कोई निगरानी करते हैं, कोई गौर नहीं करते हैं, और हमारे वोट का उसको दुरुपयोग करते हैं। क्या लग रहा है, बारिश होने से समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है, अगर जगह जगह बात करें तो जाम हो जाते हैं, जगह जगह जल भराव हो जाती है। ये इनका मेन कारण समस्या ये है, जो कि आज तक इन सरकारों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और जैसे अंडरपास उन्होंने बनाए हैं, इसका कोई समाधान नहीं किया। हमारे जैसे यहाँ हम इस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकलने की, ना अधिकारी ध्यान देते हैं, ना सरकार ध्यान देती है, और उसके कारण ये जाम हो जाता है, और ये बारिश जगह जगह इतना बुरा हाल हो जाता है, जो कि चलने में भी दिक्कत और खड़े होने में भी दिक्कत, जिससे कि आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं, मोदी हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने हमारे देश में घंटा बजाया, भारत देश का आज एक नंबर पर जो स्थिति है वो मोदी साहब से है। हम मोदी साहब से ये कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर विधायक, सांसद, निगम पार्षद जो भी हैं, इनसे मीटिंग करके या इनका कुछ अपना कोई चीज़ सरकार का जो बनता है उससे जनता को राहत मिले, और प्रधानमंत्री से बार बार मैं कहना चाहूँ कि आप बहुत ही समझदार नेक और इसमें विपक्ष को ना समझ करके, जनता को देख करके, जनता के ध्यान करके, और इसका समाधान। क्या नाम है सर? कमल ठाकुर। कमल जी, अचानक बारिश हुआ, दोपहर को गर्मी थी, क्या कहना चाहते हैं? मौसम चेंज हो गया है अभी फिलहाल, और पहले तो गर्मी था दोपहर में, फिर उसके बाद बारिश का मौसम हो गया है। बारिश का मौसम होते ही लोग बाग जो भी काम धंधे वाले अपना बाइक स्कूटी सब साइड में करके खड़ा हो गया, और बारिश में जैसे जाम भी लग रहा है, जगह जगह इसलिए जाम लग रहा है, कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है, हवा तेज और धूल मिट्टी के कारण जो है काफ़ी जाम लग रहा है। अब बरसात हो रही है, मौसम बिल्कुल खुल जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? खुलने तो खुल जाएगा, पर जाम जगह जगह लग रहा है, कहीं पानी भर रहा है, कहीं रोड पे काफ़ी मतलब पानी है।